सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज हम फिर से करने जा रहे हैं अपने स्कूल की शॉपिंग, और अभी हम निकल चुके हैं और हमने पहले लेनी है ड्रेसेस, बट वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था, मतलब ट्रैफिक जाम में हम तो देर तक फंसे हुए थे। नेक्स्ट टाइम में थोड़ी सी लेट भी हो गई थी, थक भी गए थे। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे यूनिफॉर्म सेंटर, उसके बाद वहाँ से यूनिफॉर्म लेने के बाद हम आ गए थे अपनी स्टेशनरी वगैरह लेने। सो वहाँ पर नूरेश ने अपने लिए ली थी छोटू सी अम्ब्रेला, और बाकी सारी चीज़ें लेकर हम आ गए हैं घर की तरफ। सभी हम फाइनली घर आ चुके हैं, यहाँ पर हमने सारा सामान रख दिया है, और अभी मैं जल्दी जल्दी से अपने कपड़े चेंज करती हूँ। सो गाइस, अभी मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए और अभी मैं थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो चुकी हूँ। सो अभी हम चलते हैं और खाना खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। हमने थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की थी, बट फिर भी खाने की जगह है। सो लेट्स गो। और यहाँ पर हम खा रहे हैं अपने लिए जो फ्रेंच फ्राइज हमने ली थी। सो यस, यहाँ पर बाबा खा रहे थे पूरी पराठे और ये रेशमी कबाब वगैरह, बट हमने नहीं खाए थे। तो गाइस, अभी हम करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग जो जो चीज़ें हमने ली हैं। ओप्सी, मैं अभी नहीं दिखा रही, एक एक करके दिखाऊंगी। सो पहले मैंने सोचा था कि शॉपिंग हॉल का अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बट देन मैंने सोचा कि नई वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट और इसी से डेट्स वाई हम अभी इसमें ही अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। सो सबसे पहले नूरेश अपनी चीज़ों की अनबॉक्सिंग करेगी। ओके नूरेश, आप अपनी ये चीज़ें गाइस को दिखाएं। गाइस, ये नूरेश ने एक अम्ब्रेला लिया है, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है। सो नूरेश को ये छोटू सा अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, सो नूरेश ने ये रेनबो वाला अम्ब्रेला ले लिया। ओके सो अब इसको करो क्लोज। और नूरेश, आपने क्या लिया? नूरेश ने अपनी थोड़ी सी इत्तू सी स्टेशनरी ली है जो नूरेश को पसंद आई है। सो ये है एक पाउच, ओके यूनिकॉर्न वाला। देन ओके, सो नूरेश ने लिए डॉल वाली पेंसिल, ये कितनी क्यूट है। सो वैसे नूरेश वालों को सारी चीज़ें स्कूल वाले प्रोवाइड करते हैं, बट फिर भी नूरेश को ये दो चीज़ें पसंद आई, सो मम्मा ने कहा ले लो। सो अभी हम चलते हैं स्टेशनरी में, अपनी एंड में दिखाऊंगी। अभी हम चलते हैं, हमने जो जो चीज़ें ली है। सो अभी के लिए हमने अपने थर्मासिस लिए हैं। सो यस, यहाँ पर हम तीनों के थर्मासिस है। सबसे पहले नूरेश का थर्मस है, तो नूरेश आप इसको अनबॉक्स करें। अभी हमने लंच बॉक्सेस नहीं ली, क्योंकि वैरायटी अच्छी नहीं थी, और अब हम वैसे भी मैं और जाऊँगी लंच बॉक्सेस लेकर नहीं जाते, नूरेश ही लेकर जाती है। ये देखें गाइस, नूरेश का रेड कलर का वाटर, क्योंकि हमेशा हम ना ऐसे करते हैं कि हम ना क्या करते हैं कि प्लास्टिक्स वाली लेते हैं, बट उनमें हमारा पानी ठंडा नहीं रहता। सो मम्मा ने बोला डिज़ाइंस वगैरह को छोड़ो प्लास्टिक्स वाली को, सो हमने ये स्टील वाली ली है। और उन्होंने बोला है इसके अंदर आठ से नहीं, इन्होंने बोला है कि इसके अंदर 4 से 8 घंटे तक पानी ठंडा रह सकता है हम तीनों की वाटर बॉटल्स के अंदर। सो दैट्स वाई हम तीनों ने ली हैं। सो अभी ये नूरेश की वाटर बॉटल हो गई, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। अभी हम निकालते हैं मेरी और जहांगीर की वाटर बॉटल। ओके लेट मी जस्ट, फाइन 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 हो गया। सो ओके, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बट अनबॉक्सिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, सो एंड तक देखना, ऐसे स्किप मत करना, मज़ा नहीं आएगा तुम लोगों को। सो ये वाली वाटर बॉटल देखते हैं किसकी है। सो यप, ये है जहांगीर की वाटर बॉटल। और अभी हम दूसरा बॉक्स खोलते हैं, और इसमें होगी मेरी वाटर बॉटल। मैंने भी अपनी वाटर बॉटल ब्लू ली है। अब लोग कह रहे होंगे दोनों की सेम सेम हो जाएंगी, बट मुझे ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, डेट्स वाई कि मेरे बैग का कलर भी ब्लू है। सो मैंने सोचा कि ब्लू वाटर बॉटल बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और जहांगीर को भी ब्लू ही पसंद आ रहा था। वहाँ पर ब्लू था, गोल्डन था और रेड था, रेड मुझे नहीं पसंद आया, और गोल्डन मैंने पिछले साल लिया है। सो मैं आपको इनको अंदर से खोल के दिखा देती हूँ। ओके सो इसके बाद लिखा भी था यस कीप्स हॉट हॉट, ओके 12 घंटे तक रख सकती है ये। सो यस, ये अंदर से कुछ ऐसा सिस्टम है इनका, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा
कैपेसिटी है पानी स्टोर करने की। सो अभी मैं सबको जल्दी जल्दी से बॉक्स में डालती हूँ, साइड पे करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाऊंगी। सो मैंने वाटर बॉटल्स को उनकी शॉप में पैक कर दिया, सो हम इसको दूर करते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है ये तो स्टेशनरी है, इसको अभी हम साइड पे करते हैं। सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी यूनिफॉर्म। सो ये जहांगीर की यूनिफॉर्म और जहांगीर की पैंट्स हैं, और उसके बाद ये यहाँ पर मेरी यूनिफॉर्म्स और मेरे ट्राउजर्स वगैरह हैं यहाँ पर। सो गाइस हमें नूरेश का यूनिफॉर्म नहीं मिला क्योंकि उन्होंने बोला अभी आउट ऑफ स्टॉक है, सो वन वीक के बाद आएगा। सो वन वीक के बाद हम जाके ले लेंगे। सो इसमें बहुत ही ज़्यादा, मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है जो कि है मेरी, और ये भी मतलब समझो एक क्रॉकरी है, वहाँ से ही लिए हमने, जहाँ से फार्मेस वगैरह लिए थे। और ये एक न्यूज़पेपर में पैक है, सो आपको पता चल गया होगा ये कुछ ग्लास की चीज़ है। तो यस इसमें है वो चीज़, और वो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, एंड समहाउ मुझे वहाँ पे नज़र आ गई, दैट्स वाई मैंने मम्मा को बोला, मम्मा ने बोला ओके यू कैन टेक इट। सो अभी हम इसको करते हैं अनपैक। आर यू रेडी? सो यस दिस इज़ माय क्यूट लिटिल कॉफ़ी मग, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी था, सो आई हैव टू गेट इट कज़ आई ऑल्सो लाइक कॉफ़ी। सो इसमें हमारी कॉफ़ी भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, जैसे हमारा मेरा कभी कभी जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, जिससे वो कॉफ़ी बीट करते हैं, हाँ बीटर, सो वो कभी कभी ना नहीं चलता, सो दैट्स वाई इसको हम ऐसे बंद करके स्ट्रॉ निकाल के कर सकते हैं। सो ये इसका स्ट्रॉ है, और वैसे तो ये रेड कलर में बहुत ट्रेंड में चल रहा था, बट वहाँ पर ना रेड कलर में अवेलेबल नहीं था, और ग्रीन में ये वाला प्रिंट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, दैट्स व्हाई मैंने ये ले लिया। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और इसको मैं वापस से रैप कर देती हूँ, बस शीशे का शीशे से टूट भी सकती है। और रुके ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखा दी मैं इनको साइड करती हूँ, फिर हम हमारी बारी आएगी स्टेशनरी की। अभी बारी है स्टेशनरी की। सो ओके सर डबल शॉफर, ओह माय गॉड आप लोगों को नज़र आ रहा है कितनी क्यूट क्यूट सी चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं ये दो रूलर स्केल्स, बड़ी साइज़ वाली, क्योंकि लाइंस वगैरह मार्जिन वगैरह खींचने में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। सो यस हमारे पास है यहाँ पे दो स्केल्स एंड वन पाउच। मैंने पाउच नहीं लिया क्योंकि मुझे बैटरी पसंद नहीं आ रही थी, मुझे चाहिए था वो जो पीवीसी पाउच होता है ना, मतलब ट्रांसपेरेंट पाउच, सो वहाँ पर उनकी वैरायटी बहुत ही ज़्यादा कम थी, सो मैंने सोचा नेक्स्ट टाइम ले लूँगी मैं दाऊद वगैरह से। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जैसे स्पायर नोटबुक खो गई, मुझे वो भी चाहिए थी बट वहाँ पर नहीं थी, सो उसको लेने के लिए दाऊद तो जाना पड़ेगा, सो वहाँ से ही पाउच ले लूँगी। सो बाकी सारी चीज़ें आई थिंक सो के कम्प्लीटेड है। एंड देन वी हैव ओके लेट मी पिक समथिंग टू शो यू गाइस। ओके नाउ वी विल मूव टू द पेंस। ओके सो हियर वी गॉट सम क्यूट एंड कूल लुकिंग पेंस एज यू कैन सी। ओके सो यू कैन जस्ट डिफरेंशिएट दिस, बोथ कलर्स आर नॉट सेम, दिस वन इज वाइट मीन्स ऑफ वाइट एंड दिस वन इज लाइक कॉपर कलर, बट आप लोगों को ऐसे वीडियो में थोड़ा सा सही नज़र नहीं आ रहा, सो यस बट दीज बोथ कलर्स आर डिफरेंट। सो द कॉपर वन इज़ माइन एंड द वाइट वन इज़ फॉर जहांगीर, कस ही इज़ गोइंग टू द फिफ्थ स्टैंडर्ड सो ही नीड्स अ पेन। सो यस एंड उसके बाद है ये जहांगीर के पास ब्लू पेन, जैसा मैंने पिंक लिया है वैसे जहांगीर ने ब्लू लिया है, सो मैं आपको इनको ओपन करके दिखा सकती हूँ। ओके वेट सो ये मैंने खोल दी है। सो इसमें बहुत सिस्टम है, हम इनमें इंक भी फिल कर सकते हैं, कार्टेजेस भी। सो यप सो आई जस्ट लाइक दिस पेन एंड द शाइनी पेन अट्रैक्टेड मी सो आई गॉट इट एंड देन आई हैव गॉट दिस कॉपर क्यूट लुकिंग पेन।
एंड जहांगीर रेकॉर्ड दैट इन द कलर. सो मैं आपको वहाँ पे शो नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और रश में मैं मोबाइल नहीं निकाल सकती क्योंकि ना मतलब स्नैचिंग वगैरह का डर होता है. सो दैट्स व्हाई ये हमारी फोर फ्रेंड्स, टू बिलोंग्स टू मी एंड टू बिलोंग्स टू जहांगीर. सो यस लेट मी टेक आउट या टू मोर थिंग्स वी हैव हियर इज हाइलाइटर्स. ये मेरे पास पर्पल भी था, ब्लू भी था, ग्रीन भी था. सो मेरे पास पिंक नहीं था, सो दैट्स व्हाई मैंने पिंक कलर ले लिया है. सो ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है. और जहांगीर ने आई डोंट नो व्हाई उसने येलो कलर लिया है. मम्मा ने बोला तुम्हारा कोई काम तो नहीं है हाइलाइटर का, बट उसने ले लिया. सो वी जस्ट कांट से एनीथिंग टू हिम. सो यस ये जहांगीर का है. ओके वी हैव गॉट ओके वन लास्ट थिंग विच आई हैड गॉट. इट्स फॉर मी, इट्स द इंक करेक्टर एंड इट्स प्रिंट इज सो सो क्यूट. मैंने जस्ट ढूंढ ढूंढ के निकाली है ये क्यूट सी प्रिंट और मुझे ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगा. कवाई सो यस अभी मैं इनको डिफ्रेंशिएट करती हूँ. सो जहांगीर की और जो मेरी आइटम्स हैं, सो अभी मुझे थोड़ी सी और आइटम्स लेनी है, वो हम इंशाल्लाह दाऊद से लेंगे क्योंकि मतलब हम बहुत ज़्यादा थके थे, दैट्स व्हाई हम दाऊद नहीं गए. सो यस ये है आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा. और अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और गाइस मुझे अपना मग बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैं क्या करूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है. सो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ठीक है, बाय बाय.